हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एंटीनेस क्लासेस। दिस इज़ निकिता राजपूत। एंड गाइस, मैं यहाँ पर आपको पेपर टू कॉमर्स एंटी नेट के कुछ कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करूँगी। कभी कभी रीजन असेशन में पूछ लिया जाता है। तो ये है फेमा, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, जो कि 1999 था। इसका रीज़न ये था कि ये जो है, जब ग्लोबलाइजेशन था व्यवसाय में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप जो देश थे वो दूसरों देशों के साथ व्यापार और व्यवहार करने के लिए टोटली स्वतंत्र थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मॉनेटरी इश्यूज रहते थे, तो जो मुद्रा के विनिमय संबंधी समस्या रहेंगी, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, किससे, मुद्रा के विनिमय संबंधी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए इस फेमा को लाया गया। किसकी जगह, फेरा की जगह। फेरा था आपका 1 जून 2000 से पूर्व में प्रचलित था, जो 1973 में फेरा के नाम से था, विदेशी विनिमय अधिनियम के नाम से, लेकिन अब उसे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी 2000 फेमा के नाम पर इसे कर दिया गया। इस वजह से इसे लाया गया। थैंक यू।